मैं केवल एक क्वेश्चन ले पाऊंगा जो इस बैच के, क्योंकि 8:30 तक में हमको इसे खत्म करना है। हमने गरिमा और भुवनेश जी से भी 8:30 ही मैक्सिमम कहा था, और भी इस कार्यक्रम में जो गेस्ट हैं उनको भी 8:30 ही कहा था, मैक्सिमम लिमिट को छू रहे हैं। तो शिवांगी ने हाथ उठा रखा है। शिवांगी अपना वीडियो ऑन कीजिए। शिवांगी आप अपना वीडियो सर ऑन कीजिए। शिवांगी आपको यस सर, एम आई वीडियो, ऑडिबल सर? यस, यू आर ऑडिबल, वीडियो ऑन कर सकती हैं आप। यस सर, ऑन है सर। गुड अच्छा ठीक ठीक पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो माय क्वेश्चन इज टू गरिमा मैम। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टू क्वेश्चंस बेसिकली। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज योर मोटिवेटिंग फैक्टर, बिकॉज़ वी ऑल नो दैट दिस एग्जाम टेक्स लाइक 1 ईयर। एंड द सेकेंड वन, हेलो, आई थिंक शी इज डिसकनेक्टेड, सो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, सो अबाउट मोटिवेशन, देर वॉज अ क्वेश्चन इन अर्लियर ऑल्सो। मोटिवेशन एक गोली है जो आपको रोज उठ के लेनी होती है, ठीक है। मोटिवेशन मिलती है मार्केट में, आप लेके आ सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ तो सोल्यूशन हो जाएगा ना, कि आप जाइए मार्केट से रोज मोटिवेशन खरीद के ले आइए। मोटिवेशन इज समथिंग विच यू गिव टू योर सेल्फ एवरी डे व्हेन यू टेल योर सेल्फ दैट आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एंड नोबडी, नथिंग इज गोइंग टू डिस्टर्ब मी इनटू अचीविंग दैट। सो मोटिवेशन का जहां तक पार्ट है, अगर आप अपने गोल्स के बारे में बहुत क्लियर है, टेक अप वन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया योर लाइफ। विवेकानंद ने जो है हमारे, मैं उनको बहुत आइडियल मानती हूँ, तो उन्होंने ये बात कही है, अगर आपके लिए वो चीज जरूरी है तो वो आप करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। आप नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा है, और जो सीट जो आपको चाहिए थी वो कोई और लेके जा रहा है। ये अगर आपको पता है कि, और ये फेयर कॉम्पिटिशन है, इसमें कुछ अनफेयर नहीं है, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो कोई और मेहनत कर रहा है, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू क्लेम द प्लेस दैट यू वॉन्ट। तो जहां तक मोटिवेशन की बात है, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या मैं नेगेटिवली रिइंफोर्स्ड होती हूँ, क्या फियर से मैं मोटिवेट होती हूँ, क्या मुझे लगता है कि अरे जॉब नहीं मिलेगी तो ऐसा हो जाएगा, या फिर मैं पॉजिटिव चीजों को देख के मोटिवेट होती हूँ कि ये जॉब तो मुझे चाहिए, दिस वर्क आई हैव टू डू इन माई लाइफ, दिस इज समथिंग विच इज मीनिंगफुल, विच इज इम्पैक्टफुल, तो उसके लिए आप मोटिवेट होते हैं। दोनों को कंबाइन करके यू फाइंड योर थिंग्स एंड पुट इट ऑन द वॉल। आप अपने सामने लिख दीजिए मुझे ये बनना है, एक पेपर पे लिख के सामने चिपका दीजिए। मेरे आज भी कमरे में 3 साल हो गया है, पर मेरी मम्मी ने वो पोस्टर्स नहीं हटाए हैं जो मैं चिपका के रखी हूँ, और वो जो जो बच्चा आता है उनको म्यूजियम की तरह दिखाती है, देखो ये ऐसे ऐसे, दिस इज हाउ मेरी बच्ची ने पढ़ाई करी है, क्योंकि उनको गर्व है उस चीज पे। आप भी अपने रूम के अंदर जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं, एक पेपर पे लिख दीजिए, जैसे मैं आई विल बिकम एन आईएएस, आई एम एन आईएएस, यू बिकम दैट पर्सन फ्रॉम टुडे एंड यू स्टार्ट बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली फॉर दैट। तो मोटिवेशन ऐसा है कि आ जाएगा, डोंट वरी, बट आपको वो पसंद होना चाहिए तो अपने आप आएगा, ठीक है।